गोहाना के अंदर आज लंबरदारों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। क्या वजह है इस इमरजेंसी मीटिंग की? क्योंकि कहीं ना कहीं लंबरदार तो ये मान के चला जाता है कि सरकार के एक हाथ होते हैं और सरकार को कोई भी प्रचार प्रसार स्कीम कुछ भी करना होता है तो सबसे पहले वो लंबरदार को पकड़ती है और उसके बाद अपने आप को लोगों के बीच लेके जाती है। हमारे साथ कुछ लंबरदार हैं, रोष है बहुत ज्यादा क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। सरकार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से आज गोहाना में इतनी जबरदस्त ये इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी? सबसे पहले जगदीश लंबरदार जी हमारे साथ। जगदीश सर, क्या कहना है? क्योंकि लंबरदार तो एक ऐसी कड़ी होती है सरकार की, सरकार को कुछ भी चलाना होता है सबसे पहले लंबरदार को लाओ। सरकार की आंख और कान नंबरदार ही होता है और जनता का भी कान और आंख नंबरदार होता है, क्योंकि जनता की जो भी आवाज होती है वो नंबरदार ही सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की जो भी योजना होती है वो नंबरदार ही आम जन तक पहुंचाता है, चाहे वो कोई भी हुए योजना। रोष और गुस्सा किस बात का? इसका कारण है जी, मेन कारण है 23 तारीख को एक इन्होंने सर्कुलर जारी किया सरकार ने और देखा उसमें नए नंबरदार और सर बड़ा नंबरदार को फ्रीज किया गया है, तो ये इस करके ना हरेक नंबरदार के अंदर ये रोष बना हुआ है। अगर नए नंबरदारों की नियुक्ति बंद क्यों की गई? क्योंकि ये सरकार का ही काम कर रही है और जनहित का ही काम कर रही है, जन भलाई का काम करती है। ऐसी नीतियों में जो सरकार पहले इनको हमारा नंबरदारों का बड़ा मान सम्मान किया सरकार ने और हम भी सरकार के साथ हैं, आज भी साथ हैं, पहले भी साथ थे और आगे साथ रहेंगे। ये बताओ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कितने साल पहले गया था? वो 3 साल पहले इसका कार्यक्रम हुआ था। क्या क्या वायदे हुए थे उसमें? वायदे हमारा मान सम्मान डबल किया गया था, 1500 था उड़ासा में किया था, इन्होंने फिर 3000 कर दिया। हमने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार और ये हमारे को एक मोबाइल किया था डिजिटल बनाने के लिए और आयुष्मान से हेल्थ कार्ड दिया था, लेकिन वो दो स्कीम हमारी आज तक लागू नहीं हुई है। मतलब ना आप डिजिटल बने ना आपकी जान माल की कोई सुरक्षा नहीं है। साहब क्या नाम है? प्रमोद नंबरदार है जी। कहाँ से? मौजूदा गाँव है। क्या कहना है? यही कहना है जी, सरकार ने तो ये 23 तारीख को लेटर जारी किया है, इसमें सभी नंबरदारों में बहुत भारी रोष है और सरकार से यही वो है, नंबरदार सरकार की आंख और कान होते हैं और हर एक चीज में नंबरदार सरकार के नुमाइंदे के रूप में कार्य करते हैं। नहीं मतलब ये फिर सौतेला व्यवहार क्यों? सरकार की मतलब सारे गुणगान तो लंबरदार कर दे फिरे जाओ और फिर सौतेला व्यवहार, 3000 कर दिया, डिजिटल नहीं करा, मोबाइल नहीं दिया, ऊतन ऊंचा भाई सारी चीज डिजिटल हो, आज सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई हुआ है, आप लोग आती कोई असुविधा नहीं? सरकार वैसे तो ये कह रही है डिजिटल के युग में नंबरदारों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नंबरदार समाज की एक अहम कड़ी है। यह भी बात आई है कि आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता ही नहीं है, ये 3 दिन से अखबार में आ रही है। आवश्यकता नहीं है तो फिर क्या करोगे? एक और है ना, हम सरकार के प्रति रोष जाहिर कर रहे हैं अपना। क्या नाम है सर? मेरा नाम करमवीर सरोवा है और मैं सोनीपत जिले का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सरोवा साहब ये कह रहे हैं कि भाई डिजिटल युग में तो लंबरदार की जरूरत नहीं। ऐसा जी, डिजिटल युग आ गया, नंबरदारा की जरूरत ना, फिर ये एमएलए एमपी आई की जरूरत है? ये भी चर्चा हो जाओ, इतना वीआईपी कल्चर क्यों बना रहे हैं? ये अपना भी खत्म कर लो, नंबरदार के 3000 रुपए हमने तो खुल के कह दिया था भाई, हमने 3000 रुपए की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 3000 तो कुछ भी है, एक बार है आप कितने चले जाओ किसे, शायद आज तो एक रेस्टोरेंट में 4 आदमी लेकर चले जाओ, 3000 रुपए जब लग जाए। 3000 रुपए का कोई वजूद ही नहीं है, हमने तो अपनी सिर्फ पगड़ी की लड़ाई लड़नी है और पगड़ी के लिए बैठे, हमने कह दी भाई 3000 भी रख लो, हम अपनी जेब तक खर्च कर लिया करेंगे, हमने पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप तो वीआईपी बन गए, मेज थपथपा के सारा सब कुछ कर लेते हैं, तनख्वाह डबल कर लेते हैं और सब कुछ जो भी है वो सबको पता, मोबाइल के 300 रुपये में 3 महीने चल रहे, खूब जी वाले ने खूब कर रखा है, ये 15-15, 20-20 हज़ार रुपये मोबाइल के लिए किस बात के लिए है, ये ये ड्रामा कर रहे हैं, ये खुद ने सोचना चाहिए इस बारे में। और 3000 रुपये नंबरदार के ही ना दुख लगे, नंबरदार सरकार के साथ मिलकर काम करता है बिना कुछ कहे। अब कोरोना काल में नंबरदारों ने कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ काम किया था और वो भी वो सब कुछ भूल गए, आदमी की प्रॉपर आदमी की शिनाख्त करने में जहाँ नंबरदारी पड़ता नहीं है वहाँ इतना घपले हो रहे हैं, जमीन के घपले हो रहे हैं दुनिया भर के, एक स्पेशल आइडेंटिफाई करके नंबरदार हरियाणा में तो इतना सुचारू रूप से सारी चीजें चल रही है और उन्हीं के ऊपर ये तलवार टांग के खड़े हो गए, तो हम इसमें बहुत गहरा रोष है, सभी नंबरदारी से परेशान है और इसीलिए ये मीटिंग बुलाई थी। आगे जो भी रणनीति होगी हमारी मीटिंग में डिसीजन लेगा, आगे की रणनीति तय करेंगे और जो भी होगा वो देखेंगे। 3 साल पहला मुख्यमंत्री जी बुलाए थे, इतना खर्चा तो आपके 3000 तो कार्यक्रम में चले गए। अरे बहुत केवरा, कितने खर्च हो जाए, दुनिया भर के खर्च हो जाए, इन्हें इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, पर फिर भी वो वैसे पता करे आपने यो कांड रचा, किसने या चिट्ठी स्त्री की जाहिर करी आई जारी करी और उसके बाद
आप लोगों के भी धड़कन बढ़ी यार, लोगों में भी नो हो गया, अब तो लंबरदार खत्म हो गए। ऐसा जी चोर चोर मसेरे भाई, सारे एक हो रहे हैं, सारे नंबरदार आगे पीछे लाग रहे हैं। ये जैसा भी होगा, जो भी होगा, जिस तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम अपने तरीके से तैयार हैं। 3000 रुपये देकर नंबरदार चोर भी घोषित करते हम? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। खैर हम तो अपने हित के लिए जहां भी होगी, जो भी होगा, जहां तक भी जाना पड़ेगा, पहले तो हम ये कहते हैं हम सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। पहले इनसे पूछेंगे, अगर खत्म कर दिए तो उसके लिए सरकार के साथ ना क्यों रहेंगे फिर? सरकार के साथ फिर लड़ाई लड़ेंगे, फिर तो आर पार की जंग होगी भाई। सरकार हमारे मान सम्मान पे ठेस पहुंचाओगी तो सरकार तो आनी जानी है, इनकी पीपी खाली पाओगी? ये कितने सरकार में आ जाएंगे? जब हमारे खिलाफ ये हो जाएंगे तो हमने भी अमीन ना बन देंगे। लंबरदार तो एक परमानेंट सरपंच होगा, हम कहूँ तो है ना, बिल्कुल विलेज एडमिन। सरकार आ जाएगी चली जाएगी, लंबरदार ओढ़े रहेगा। विलेज ऑफिसर क्या आता है अंग्रेजों ने भी नंबरदार को तो, और एक नंबरदार के पीछे कम से कम 50-40 वोट तो होंगी भाई। आदमी जाते हैं अपना काम छोड़ गया, हम नंबरदारी काम से जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, रजिस्ट्री में भी जाते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, तो क्या हमारे कहने से 50 आदमी वोट नहीं डालेंगे? दैया साहब से पूछते, काफी एक्सपीरियंस है, काला कोट पहन रहे हैं, वही बात है, ये सफेद हुए ना और एक्सपीरियंस में हो रहे हैं, कितना महसूस कराया है? आप तो कह रहे थे आपके पिताजी भी शायद लंबरदार। दादा भी। मैं प्रेम सिंह दैया, नंबरदार बटगांव मालियान, जिला सोनीपत। हम बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, संयुक्त किसान मोर्चे के नाम पर, जिसका मैं लीगल एडवाइजर हूं और पैदाइशी खानदानी नंबरदार हूं। नंबरदारी का काम हम सरकार का सहयोग करके करते हैं, शनाखत का काम, रजिस्ट्रियों पर शनाखत का काम, जमानत में शनाखत का काम, वेरिफिकेशन ईमानदारी से करते हैं, और अपने ही गांव की वेरिफिकेशन करते हैं, हम दूसरे गांव की किसी की वेरिफिकेशन नहीं करते। इसके अलावा जब भी पुलिस प्रशासन गांव में जाता है तो नंबरदार सबसे पहले पुलिस की मदद करता है, जो भी उन्हें जरूरत पड़ती है नंबरदार ही आगे खड़ा होता है। मतलब एक भाईचारा कायम रखने में भी सहयोग करता है, सौहार्द बना के रखने। नंबरदार का काम आपस में जोड़ने का, सरकार के साथ मिलकर और अपने गांव के ग्रामीणों के साथ मिलकर एक कड़ी का काम करता है, जो सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। अब ये सरकार डिजिटल प्रणाली के माध्यम से, वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से, जिसका अर्थ है कि मशीनों पर आदमी की जरूरत नहीं काम करने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा वो काम करेगा, आदमी की जरूरत ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से नंबरदारों की जरूरत नहीं रहेगी वेरिफिकेशन में, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उन नंबरों से वो वेरिफिकेशन करा लेंगे, इसलिए हमारी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब कुछ दर्ज हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड हर एक आदमी का, कोई भाग भी नहीं सकता फिर उससे। उस नीति को ये लागू कर रहे हैं और झूठ बोलकर लागू कर रहे हैं, सच बोलकर लागू करके किसको ऐतराज है? सच बोल दे भाई ये लागू कर रहे हैं, ये नौकरियां सबकी खत्म, कोई एसपी नहीं होगा, कोई डीसी नहीं होगा, कोई प्रोफेसर नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा, कोई अध्यापक नहीं होगा, कोई पटवारी नहीं होगा, सभी की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या गाड़ी का ड्राइवर भी कंप्यूटर होगा, आदमी की जरूरत नहीं रहेगी, हवाई जहाज में पायलट की जरूरत नहीं रहेगी, कर दो डिक्लेयर, हमें क्या चिंता है? परंतु ये झूठ बोल रहे हैं, नंबरदारों की जरूरत अभी है, आगे भी रहेगी, अगर इन्होंने इनको हटाने का जो अभियान शुरू किया है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि केवल मात्र इन्हीं का शासन नहीं है हरियाणा में, विरोधी पार्टियां अब खड़ी हैं, वो अब नंबरदारों के साथ खड़ी हो जाएंगी, जिस तरह किसान मोर्चे के साथ खड़ी होगी, वो पार्टियां कहेंगे हम तुम्हारा भत्ता बढ़ा कर देंगे, फिर क्या करेगी ये सरकार? ये कामू दिखाएंगे, काले कानून बनाकर अपने आप बिना बहस के पास कराकर बिना बहस के इनको फाड़ भी दिया, किस लिए? जनता के दबाव से। अब नंबरदारों का भी यही है कि इनके आंदोलन से दबकर ये सरकार इस चिट्ठी ने भी वापिस ले लेगी। नहीं, एक शुरुआत कह सकते हैं दैया साहब, क्योंकि नई भर्ती नहीं होंगी तो आप जितने हो धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। बिल्कुल सही है, यह खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, नई अपॉइंटमेंट बंद है, सरबरा नंबरदार बंद है, मेरे जी है जो 70-80 नंबर साल के, अरे वही 2 साल में 3 साल में चलते हो जाएंगे, वो जगह खाली होगी। अब 25,000 से 17,000, अगले साल 17,000 से 15,000, अगले साल 13,000, इस तरह से 8-10 साल में ये सभी नंबरदारी प्रथा खत्म करने की इनकी साजिश है, क्योंकि ये देश की सरकार, केंद्रीय सरकार, साजिशों की, जल्लादों की, गद्दारों की सरकार है,
इन्हें इस देश की जनता से कोई वास्ता नहीं, इन्हें वास्ता है तो केवल राम मंदिर से है, मंदिरों से है, मस्जिद के खिलाफ बोलने से है, आपस में लोगों को सांप्रदायिक आधार पर लड़ाने से, इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं। कितनी देश में बेरोजगारी बढ़ गई, कितनी देश में महंगाई बढ़ गई, इन विषयों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेरी जनता की आम जिंदगी से जुड़ी बातें हैं उनसे इनका कोई वास्ता नहीं। भैया साहब ऐसा तो नहीं, अब आप लोग जो प्रचार प्रसार करते थे यानी कि सरकार की तारीफ करते थे, कोई भी स्कीम आती थी गांव तक पहुंचाते थे, उसको अगर सरकार हाथ पीछे खींचती गई या इस पे कोई फैसला नहीं लिया, भैया के नियुक्ति फ्रीज ये करी नहीं, इसे भी खोल लेंगे नहीं भाई, क्योंकि देखो कोई ना कोई जाएगा तो नया तो नियुक्त करना पड़ेगा उसके जगह पे, अगर नहीं करते हैं तो क्या ये प्रचार प्रसार उल्टा भी उसके है? ये इनके खिलाफ जाएगा, हर हालत में इनके खिलाफ जाएगा और इनकी जड़ पाड़ के छोड़ देंगे ये लोग। अगर ये ऐसी नीतियां लागू करते रहे तो इन्हें हिंदुस्तान में रहने का मौका भी छीन लेंगे हम। ये गद्दार है इस देश के, ये हमारे खिलाफ हैं, ये आम जनता के खिलाफ हैं, किसान और मजदूर के खिलाफ हैं, जो मेहनत करके खाता है उसके खिलाफ हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की सरकार को इस देश में रहने का अधिकार हम नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, बहुत जबरदस्त आक्रोश है। कहीं ना कहीं गोहाना में एक इमरजेंसी मीटिंग नंबरदारों की बुलाई गई और जिसके बाद इतना गुस्सा नंबरदारों में है क्योंकि कहीं ना कहीं एक लेटर जारी हुआ था, फ्रीज कर दी गई है नंबरदारों की नियुक्तियां, आगे नए नंबरदारों को अभी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात है, सरकार का एक कह सकते हैं कि आंख और कान नंबरदार होते हैं, लेकिन अगर इन आंख और कानों को बंद कर दिया जाएगा और इंटेलिजेंस का यानी कि डिजिटल युग के एक आगाज की बात सरकार कह के ये इस तरह के काम कर रही है, लेकिन अब जिस तरह से देखा आपने नंबरदारों में इतना गुस्सा है जो प्रचार प्रसार करते थे, ऐसा ना हो कि सरकार का दाव उल्टा पड़ जाए और सरकार के खिलाफ ही ये नंबरदार एक दिन गांव में आगे खड़ा मिले। केएनएन मीडिया के लिए मेरा सहयोगी योगेश वत्स के साथ अरुण कुमार। आईसीएस में जॉब गारंटी बैच फिर से आ रहा है जिसमें सिलेक्शन 100% गारंटीड होगा। वही 3 से 4 घंटे की डेली क्लास, 3 से 4 घंटे का होमवर्क, आईसीएस होमवर्क ऐप पर डेली टेस्ट। जिस दिन आईसीएस की टीम में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवाने का दम नहीं होगा ना, उस दिन सेंटर बंद कर देंगे। सिलेक्शंस आईसीएस ने पहले भी दिए हैं और हम आगे भी देंगे। मेहनत तुम्हारी, रास्ता आईसीएस का।